हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाइनी। आज मैं शेयर करने वाली हूं पीआर पैकेजिंग अनबॉक्सिंग वीडियो। एक्चुअली ये क्या वीडियो है, मैं इस वीडियो में जो भी मुझे पीआर के तौर पर जो प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं फॉर रिव्यू पर्पस, ब्रांड्स की तरफ से फ्री में प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूं। अब मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूं कि मैं मुझे आए दिन प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे फ्री में, बट हाँ मुझे जो भी कुछ प्रोडक्ट्स इस 2021 के शुरुआत से रिसीव हुए हैं या फिर 2020 के एंड से, तो मैं उन प्रोडक्ट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो मैं इसका पार्ट टू भी डेफिनेटली शेयर करूंगी। मैं हर मंथ कोशिश करूंगी इस तरीके का पीआर पैकेज अनबॉक्सिंग वीडियो करने की। और हाँ, इनमें से ना कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके ऊपर कभी भी वीडियो बनाए ही नहीं, क्योंकि मुझे इन प्रोडक्ट्स को अच्छा नहीं लगा है। तो ऐसा भी होता है कि ब्रांड हमें प्रोडक्ट सेंड करते हैं, बट अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर करूं, राइट? तो मैं शेयर नहीं करती हूं, मैं डायरेक्टली ब्रांड को बोल देती हूं कि लिसन, ये प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क नहीं किया, मैंने आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट एट ऑल, तो मैं अपने ऑडियंस के साथ इसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। सो दैट्स टोटली ओके, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि प्रोडक्ट मुझे शेयर करनी है कि नहीं। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि जो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, तो मैं उसे भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं, जो कि मैंने देखा है किसी भी यूट्यूबर कभी भी नहीं करते हैं, बट आई थॉट कि हाँ मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये वर्क नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके लिए भी वर्क नहीं करेगा। शायद कर भी सकते हैं, शायद नहीं कर सकते, बट आई शुड रियली, अगर मैं गुड पॉइंट शेयर कर रही हूं तो मुझे नेगेटिव पॉइंट्स भी शेयर करनी है। जो नेगेटिव प्रोडक्ट्स मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं किया, वो भी शेयर करना जरूरी है। तो ये वीडियो, इसमें पॉजिटिव रिव्यूज भी होंगे, इसमें नेगेटिव रिव्यूज भी होंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो जो पहला प्रोडक्ट है ना, वो मैं एक पॉजिटिव रिव्यू के साथ ही स्टार्ट करूंगी, विच इज दिस न्यूट्रीग्लो एडवांस्ड हैंड रब। सो ये हैंड रब आप लोग देख सकते हैं, इसका जो कलर है ना, ये एकदम ब्लू, सी ब्लू टाइप्स कलर है इसका। तो आई लव दिस हैंड रब, ये मुझे न्यूट्रीग्लो की तरफ से रिसीव हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला हैंड रब, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड है तो ये इवापोरेट हो जाता है काफी जल्दी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है एंड फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इट इज जस्ट फॉर 250 रुपीज 500 ml का। तो आप डेफिनेटली इसको अगर चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। मैंने इसे अपने YouTube पर शेयर नहीं किया है, आई नो दैट, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैंने Instagram पर शेयर किया है। तो अगर आप मुझे Instagram पर फॉलो करना चाहते हैं तो यही मेरा Instagram आईडी, आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, वो है फ्रॉम क्या सेट अरोमा थेरेपी। तो मुझे कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले, उनका जो ऑरेंज जो फुल स्किन केयर किट है वो मुझे एज अ पीआर रिसीव हुआ था फ्रॉम द ब्रांड। एक्चुअली क्या सेट जस्ट उन्होंने मुझे सेंड कर दिया था ये सब प्रोडक्ट्स। दे वर नॉट लाइक कि हाँ मुझे वीडियो बनाकर दो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, दे वर रियली लविंग माई वर्क, दैट्स वाई उन्होंने अपना जो न्यू लॉन्च है वो मुझे सेंड कर दिया था। बट अभी तक मैंने वीडियो नहीं शेयर किया है क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं पूरा सारा प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में इनके जो प्रोडक्ट्स है ना वो चाहिए होता है, बहुत कम क्वांटिटी में, तो मैं थोड़ा सा तो उन्हें इतना तक तो मैं इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद मैं रिव्यू शेयर करूंगी, मैंने ये सोचा है पर्सनली। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स जस्ट आस्क फॉर आवर एड्रेस एंड वो अपना जो न्यू लॉन्चेस है वगैरह सब कुछ शेयर कर देते हैं हमारे एड्रेस में, तो वो हम जब रिसीव करते हैं वी यूज द प्रोडक्ट, और अगर हमें अच्छा लगता है तो ही हम उनका जो रिव्यू है वो अपने चैनल में किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं। बट ब्रांड्स की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई गाइडलाइंस नहीं दिया जाता है कि आपको शेयर करना ही है। इट्स लाइक कि अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो क्या सेट अरोमा थेरेपी का ये जो प्रोडक्ट है, इट्स लाइक दैट ओनली। तो उन्होंने मुझे अपना जो ऑरेंज बॉडी ऑयल, ऑरेंज बॉडी शावर जेल, और फिर ये है फेस एंड बॉडी मॉइस्ट, इसका भी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां तक इस्तेमाल कर लिया है। एंड नेक्स्ट है उनका ये जो क्रीम है ऑरेंज क्रीम, ये भी, एंड फिर ये ऑरेंज लिप बाम, ये सब कुछ सेंड किया था। आई एम जस्ट टोटली इन लव विद दिस प्रोडक्ट। मुझे ऑरेंज का जो फ्रेग्रेंस है वो उतना अच्छा नहीं लगता, बट प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट केयर सेट के मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स पहले भी इस्तेमाल किए थे, काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था, तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं इनका जो रिव्यू होगा वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो बॉडी ऑयल है ना, दिस इज लाइक मैजिक, बिल्कुल इतना अमाउंट में चाहिए, और ये बिल्कुल नॉन ब्रीजी, नॉन ऑयली है, येट इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है, और ये जो फेस एंड बॉडी मॉइस्ट है ना, मतलब ये एक्चुअली फेस एंड बॉडी क्रीम है,
जो आप फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी पर भी। तो ये मेरे मम्मी और पापा के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको ना जब भी मैं अलग से कुछ देती हूँ कि ये बॉडी के लिए है, ये फेस के लिए है, उनके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, वो जस्ट बॉडी का ही अपने फेस पर अप्लाई कर देते हैं। बट दिस इज रियली गुड कि ये फेस के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है, अच्छे से हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, बॉडी वॉश भी काफी अच्छा है। वो मेरे बाथरूम में है अभी, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। एंड ये जो क्रीम है ना, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये लिप बम बहुत अच्छा है। मतलब एक वैसे लिप्स पर भी अप्लाई करती हूँ तो एक ऑरेंज सा नेचुरल सा टिंट छोड़ता है, फिर अपने चीक्स पर भी अप्लाई करती हूँ तो एक नेचुरल सा ब्लश जैसा लगता है। सो कियासेट के सारे प्रोडक्ट्स ही शायद अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो होल ऑरेंज किट है ना, ये मुझे अच्छा लगा। फ्रेग्रेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ऑरेंज मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट अगर आपको ऑरेंजेस पसंद है तो आपको ये किट डेफिनेटली पसंद आएगी। ओके, सो नेक्स्ट मुझे ना ये एक नीम ऑयल रिसीव हुआ था फ्रॉम उर्वी नेचुरल्स। तो ये एक इंस्टाग्राम से मेरा जो कोलैब हुआ था वो इंस्टाग्राम के लिए ही हुआ था, और यूट्यूब के लिए भी शायद था, आई टोटली फॉरगॉट। बट मैंने इसका रिव्यू शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, बट यू कैन सी मैंने यहां तक इसे इस्तेमाल किया था जस्ट टू ट्राई कि हाँ प्रोडक्ट कितना काम करता है कि नहीं। एक्चुअली नीम ऑयल ना बहुत ही ज्यादा स्टिकी है, और ये स्कैल्प पर इतना ज्यादा भारी फील होता है ना, जब भी मैं इसे अपने स्कैल्प पर अप्लाई करती हूँ बहुत ही ज्यादा हेवी फील होता है। एट द सेम टाइम ना ये काफी ज्यादा फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इनका कैस्टर ऑयल भी मैंने ट्राई किया था, कैस्टर ऑयल वॉज रियली गुड। वो बॉटल पूरा खत्म हो चुका है, मैंने बॉटल फेंक भी दिया है। कैस्टर ऑयल के ऊपर भी मैंने रिव्यू शेयर किया था बट ये वर्क नहीं किया, इसके लिए इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर कोई रिव्यू वीडियो शेयर नहीं किया। तो मैंने ब्रांड को बोल दिया कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट्स व्हाई मैंने रिव्यू नहीं शेयर किया, दैट्स इट। सो जो नेक्स्ट दो प्रोडक्ट्स है वो भी नेगेटिव साइड ही होगा, विच इज फ्रॉम ब्लू हेवन। एक्चुअली ये ब्लू हेवन का एक फेस वॉश है, ये एक ब्लू हेवन का फेयरनेस स्क्रब है। दोनों ही प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दैट्स व्हाई मैंने रिव्यू भी नहीं शेयर किया था। मेरे लिए अच्छा से वर्क नहीं किया, एक्चुअली मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो ये फेस वॉश मेरे स्किन पर ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया, ये स्क्रब भी मेरे फेस पर सूट नहीं किया, दैट्स व्हाई मेरे स्किन टाइप के लिए ये अच्छा नहीं है। माई स्किन इज ड्राई प्लस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई मेरी स्किन पर सूट नहीं किया। तो मेरी स्किन पर ही अगर सूट नहीं किया तो मैं आप लोगों के साथ क्या रिव्यू शेयर करूं। नेगेटिव रिव्यू भी मैं नहीं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि फिर आपके लिए शायद वर्क कर सकता है, बिकॉज दीज आर रियली अफोर्डेबल। ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये शायद ऑयली स्किन या फिर नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा वर्क करेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने नेगेटिव रिव्यू नहीं शेयर किया है। बट दीज टू प्रोडक्ट्स मेरे लिए तो बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। नेक्स्ट मुझे वाउ स्किन साइंस का ये न्यू लॉन्च है आमला हेयर ऑयल, ये मुझे रिसीव हुआ था पिछले मंथ जनवरी मंथ में, एंड दिस इज रियली नाइस। मतलब बहुत अच्छा एक हेयर ऑयल है ये, अगर आप हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, हेयर बहुत ज्यादा ड्राई फ्रिजी है, डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्योंकि इसमें ना प्योर 99.9% आमला है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस आमला हेयर ऑयल। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया है, आप चाहते हैं तो इस वीडियो को यहां पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो पार्ट टू मैं डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स है मेरे पास जो मैं शेयर कर पाऊंगी। ऑल्सो सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियोज या पीआर पैकेजेस के जो वीडियोज मैं बनाती हूँ वो ऐसा नहीं है कि वो खराब है फिर भी मुझे ब्रांड से पैसे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, नो नॉट एट ऑल। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे लिए वो वर्क नहीं किया। तो मुझे जो वर्क करता है, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इतने सारे ऑडियंस है मेरे, जितने भी है मेरे लिए बहुत है, तो मैं उनको धोखा नहीं दे सकती इस तरीके से। ऑल्सो जो प्रोडक्ट मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, जाहिर सी बात है मैं उसे क्यों शेयर करूंगी। और देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ ब्रांड्स की जिन जो एजेंसी है या फिर जो मेरा मैनेजर है वो उनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट्स व्हाई मैंने जस्ट उनसे काम नहीं किया। शायद ब्रांड अच्छा हो सकता है बट एजेंसी या जो मैनेजर मुझसे बात करता है वो नहीं अच्छा है। तो ऐसे भी काफी सारे किस्से हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।